की वीडियो में हम देखेंगे कि डू डज डिड के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये पता होने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये पता होनी जरूरी है कि डू डज डिड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अगर उसका मीनिंग आपको पता है तभी आपको क्वेश्चन का अर्थ पता चल जाएगा, इजंट इट। तो लेट्स स्टार्ट। सी, यहां पर आपके पास है एक डू है, एक डज है और एक डिड है, बराबर। तो डू डज डिड के बारे में आपको ये बात पता होनी बहुत बहुत जरूरी है कि ये दोनों एक ही है, लेकिन आई यू दे और वी, ये तो फिर कोई भी ग्रुप हो, तो इन सब के लिए हम डू का इस्तेमाल, डू का प्रयोग करते हैं, है ना। आपने ये बात पढ़ी होगी ठीक से। और ये जो बाकी लोग हैं, ही, शी, इट, है ना, किसी का नाम हो वगैरह वगैरह जो भी है, अकेला बंदा कोई भी हो, कोई भी अलोन, अकेला अपार्ट हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डस। तो पहले ये देख लो कि जो प्रश्न है उनमें जो एक्टर्स है, डूअर्स है, सब्जेक्ट है, वो कितने हैं संख्या में। अगर वो एक रहेंगे ना तो शोर वहां पे आपको डज ही यूज करना है, और अगर वो ज्यादा रहेंगे संख्या में तो फिर आई यू देवी इनमें से कोई रहेगा, ग्रुप रहेगा, तो हम उसे डू यूज करेंगे। और जब डू रहेगा, डज रहेगा, इन दोनों का भी मतलब क्या होता है पता है। हम एकदम प्रेजेंट में, एकदम सामान्य वर्तमान में जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं ना, वहां पर हम बोलाते हैं कि मैं ये चीज करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, वह यहाँ पर हर रोज आती है। तो हर जगह पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, वो एक्शन में ना ता ती है, ऐसा कुछ तो भी आ रहा है ना, आता हूँ तो ता आ गया, है ना। देखो आता हूँ ता आ गया, आती है तो ती आ गया, आते हैं तो ते आ गया। एकदम शॉर्टकट और आसान हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट गो फॉर एनी डिफिकल्टी अबाउट इट, ओके। तो इतना सिंपल है। और उसके बाद में क्या आएगा, है आएगा, हूँ आएगा, हो आएगा, जैसे कि मैं आता हूँ, वे जाते हैं, हम रहते हैं, वह खाती है, इस तरह से। दोस्तों ये डू और डज के बारे में उनकी खासियत क्या है कि कोई भी अगर एक्शन है, सपोज ये प्ले है, डांस है, अटेंड है, अनाउंस है, चेक है, बाउंस है, कोई भी एक्शन वर्ड ले लो, कोई भी एक वर्ड ले लो, उनमें डू ये ऑलरेडी उनमें इंसर्ट किया हुआ होता है। उसमें जैसे आदमी के शरीर में प्राण होते हैं ना, उसी तरह से हर एक एक्शन वर्ड में ऑलरेडी देयर इज डू, ठीक है। इसको अगर स्प्लिट करेंगे ना तो डू आ जाएगा, डू प्ले। इसको भी अगर स्प्लिट करेंगे ना तो डू आ जाएगा, डू डांस। तो समझ लो ठीक से। और अगर जिसमें किसी में वो आपके पास लास्ट में अगर एस लगाया हो तो वहां पे डज रहेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल थिंग। जैसे कि अगर प्लेज है तो इसको अगर स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, डज आएगा, कि डज ही एस है लास्ट वाला, एस हो एस हो वो डज ही है, ठीक से समझ लेना चीज को। और ये प्ले एज इट इज रहेगा। हमेशा याद रखेंगे जैसे ये डज बाजू में जा रहा है, जैसे ये डू बाजू में निकल के जा रहा है, तो प्ले जैसा, डांस जैसा, प्योर उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो वहां पे बचता है। अगर यहाँ पे सपोज डांसेस है, कोई वर्ड है डांसेस, तो या तो आपने उसको स्प्लिट कर दिया तो यहाँ पे डांस ही बाकी रहेगा, और ये जो है बाकी डज इसमें से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो बाहर निकलने की प्रोसेस है ना उनकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न समझने के लिए भी और प्रश्न बनाने के लिए भी, समझ रहे हो। तो किसी एक सेंटेंस में, किसी एक वर्ड में आपने देखा कि कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो सेकेंड रैंक पे कौन सी एक्शन वर्ड पर आप लोग यूज किया है उसको देखो। जैसे कि आई अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड, ऐसा एक छोटा सा सेंटेंस ले लिया हमने, चलो आई अंडरस्टैंड, मुझे समझता है, ओके। तो इसमें समझने वाली बात क्या है अंडरस्टैंड में भी, कि अंडरस्टैंड में पहले से डू विराजमान है, और फिर ये सब अंडरस्टैंड वगैरह जो भी है, समझते हो। तो ये ही पता नहीं चलती बात हमें कि यहाँ पर डू है। तो अगर आपको प्रश्न यस नो वाला पूछना है कि क्या आपको मुझे समझता है, तो ये जो डू है ना इसे निकालेंगे बाहर, आई के भी पहले, और ये इस तरह से होगा, डू आई अंडरस्टैंड, ये इस तरह से, डू आई अंडरस्टैंड। तो जब वो डू बाहर आ जाएगा, डज बाहर आएगा, उसी तरह से उसका प्रश्न भी बन जाएगा। तो
इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमने वो डू और डज को बाहर निकालने की जो भी प्रोसेस है वो समझ लेनी बहुत जरूरी है। ही के बारे में देखो, ही प्लेज वेल, ऐसे कुछ भी सेंटेंस सपोज, ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है। और आपको अगर ये पूछना है कि क्या वो अच्छा खेलता है, आपको डाउट है उसके खेलने पर, आप पूछ रहे हो क्या वो अच्छा खेलता है, तो क्या करेंगे, कैसे पूछेंगे ये प्रश्न? कुछ नहीं, जस्ट सेकेंड रैंक में जाओ, वहां पर वर्ब है, उसकी एक्शन है खेलने की, वो भी देखिए आप उसमें क्या है, एस लगाया हुआ है लास्ट में, तो देखते ही देखते आपको समझ में आनी चाहिए, अच्छा एस है ना, इसका मतलब क्या होना चाहिए, वहां पर डज होना चाहिए, तो डज को बाहर निकालो। जैसे ही आपने उसको डज को बाहर निकाला, पहले रैंक पे लाके खड़ा कर दिया, उसका प्रश्न बन गया क्या वो अच्छा खेलता है, तो डज को जब बाहर निकालेंगे, चलो यहाँ पे डज है तो उसको अपने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया डज ही प्ले वेल। तो दो मिनट पहले हमने जो बात समझ ली थी ना ठीक से, कि जैसे ये डज बाहर आ जाएगा, यहाँ पे प्योर फॉर्म बचेगा, जैसे डज बाहर आ जाएगा ये प्योर फॉर्म बचेगा, उसी तरह से हमने भी समझ लेना है कि यहाँ पर अगर प्लेज है ना, तो इसका मतलब जब मैं इसका प्रश्न बनाऊंगा तो ये एस जब निकल जाएगा बाहर, रहेगा उसका डज और यहाँ पर प्ले ही रहेगा, यहाँ पर प्लेज नहीं होगा, अगेन अगेन वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट लैंग्वेज, डज ही प्लेज, समझ रहे? तो इस तरह से उसको प्रश्न बनाते हैं। और पहली तो बात क्या है ना, इम्पोर्टेंट चीज के वो डू डज का मीनिंग क्या है वही हमें नहीं पता चलता है, और देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज। तो अगली बार क्या करेंगे, सेकेंड रैंक पे जाओ, जो भी वर्ब है उसको देखो, अगर उसमें कुछ भी पीछे लगाया हुआ नहीं है तो आपको खाली इतना ढूंढना है कि ये पहला फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप थोड़ा सा रट लो फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म कौन कौन से होते हैं वर्ब के, अगर आपको पता नहीं है तो हमने कुछ वीडियोस बना के रखे उसके बारे में, वो भी आप प्लीज दे सकते हो, ओके, उसमें भी मिलेगा आपको। तो यहाँ से डू निकाल लिया बाहर क्योंकि पहला फॉर्म था, अगर ये अंडरस्टूड रहता तो सेकेंड फॉर्म हो जाता, वहां पे डिड आ जाता, लेकिन पहला फॉर्म जब होगा तो डू को ही बाहर निकलना है, यानी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेकेंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है ये समझना चाहिए, और अगर डज रहता तो इसे बाहर निकालेंगे। हाँ या ना वाला प्रश्न बन रहा है, डज ही प्ले वेल, डज ही अंडरस्टैंड इट, डज ही टेल यू द सीक्रेट देयर, डज शी कम एवरी डे, इस तरह से। अगर डू यू का क्वेश्चन है तो डू यू तो आपको सबको पता ही है ना, डू यू प्ले वेल, डू यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, डू यू गेट इट, डू यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, डू यू ये कैसे आ रहा है, ये अंडरस्टैंड में डू था वो आगे आ गया, डू यू वॉन्ट एनीथिंग में वॉन्ट में डू था वो पहले आ गया, तो प्रश्न कैसे बन रहा है फिर? ये जो सेकेंड रैंक में जो वर्ब होता है मेन वर्ब एक्शन, उसमें से हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल आता है। और डू डज डिड की प्रॉब्लम क्या है, वो दिखते नहीं है ना जल्दी से हमें सेकेंड रैंक पर, बाकी सब लोग दिखते हैं, एम दिखता है, इज दिखता है, आर दिखता है, कैन, कुड, शैल, शुड वगैरह सब दिखेंगे, ये डू डज डिड दिखते नहीं है, और वो नहीं दिखने की वजह से हमें समझ में नहीं आता ये बीच में से कहां से आ गया। तो आपने क्या डेट, तो पहली चीज तो यह है, तो ये डीड बहुत सारे प्रश्न में आता रहता है और हमें बहुत तकलीफ देता रहता है, तो आपको पहला ये समझना जरूरी है कि डीड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डीड एग्जैक्टली, राइट? अगर आप हिंदी से समझना चाहते हो तो समझ लो कि मैंने वह काम किया, मैंने दरवाजा खोला, मैंने उससे पूछा, उन्होंने हमें पैसे दिए, मेरे पिताजी ने हमारे लिए ये काम किया, किया, गया, पूछा, कहा, समझ रहे हो, खेला, बोला, तो इस तरह से जो भी एक्शन आ रहे हैं ना, एक्शन जितने भी आ रहे हैं उनके लिए डीड यूज किया जाता है। मैंने उनसे कहा, बस कहा है ऐसे नहीं, कहा था ऐसे भी नहीं, बस ओनली कहा, मैंने दरवाजा खोला, बस इतना ही, मैंने दरवाजा खोला था ऐसे नहीं, मैंने दरवाजा खोला है ये भी नहीं, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ बिल्कुल ही नहीं, जस्ट इतना ही, मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा, बस देखा पर आ गए, कंप्लीट हो गया, देखा पे आप रुक गए, मैंने देखा तो वहां पर डीड आ गया, मैंने लिखा ओके, यहाँ पर डीड आ गया, तो डीड कहाँ पे आ रहा है ये बात समझ रहे हो? तो जैसे आपने कोई एक्शन की तो वहां पर डीड आ गया, एक्शन होना, एक्शन का कंप्लीट होना ही डीड है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है, ही वॉक्ड अलोन, ये सेंटेंस है,
यहाँ पर टीडी लग गया वॉक को, वॉक तो हमारी एक्शन है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि वॉक्ड अलोन का मतलब हो गया कि वो अकेले गया, ठीक है, अलोन का मतलब तो अकेले हो गया, और वॉक मतलब चलना, वॉक्ड जल्दी है मतलब अकेले गया। तो अब आपको अगर प्रश्न पूछना है क्या वो अकेले गया, क्या वो अकेले गया, तो कैसे करेंगे, ये जो ईडी है ईडी का ही मतलब क्या होता है, डीड था ना उसमें मिक्स हो गया था, इसे उठा के बाहर लाएंगे, और जैसे आपने इसको इस तरह से लिख दिया डिड ही वॉक अलोन, डीड और वॉक इस तरह से उनको स्प्लिट कर दिया, तो अब इसका मीनिंग बन गया, अच्छा क्या वो अकेले गए, डिड यू अंडरस्टैंड का मतलब क्या हुआ, क्या आपको समझा, डिड यू से, तो डीड जैसे इधर आ गया था तो उधर पहला फॉर्म आ गया ओरिजिनल फॉर्म। ये भी बात बहुत अच्छी समझने वाली चीज है, हमेशा याद रखनी है, ही स्टोल माय हार्ट, उसने मेरा दिल चुरा लिया, रखा था हॉस्पिटल में, वो लेके भाग गया, ठीक है ना, तो याद रखिए क्या उसने तुम्हारा दिल चुरा लिया था, ऐसे अगर पूछना है तो क्या करना चाहिए, जो सेकेंड में जो चुराने की जो एक्शन हुई है उसमें से आपको क्या, वो कौन सा फॉर्म है, ये पहले पता होना चाहिए आपको, अगर वो पता होता है तभी आप ये समझ पाओगे कि वो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, अगर आप इसको पहला फॉर्म लेते हो तो स्टील मतलब चुरा लेता हूँ ऐसे होगा, ही स्टील्स माय हार्ट तो चुरा लेता है मेरा हार्ट ऐसे होगा, लेकिन चुरा लिया अगर आपको इस तरह से कहना है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश अगर पढ़ रहे हो, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़ी है ठीक से, स्टोल को सेकेंड फॉर्म हो गया इसका स्टील का, तो आपको ये चीज आनी चाहिए अगर आपको प्रश्न समझना है प्रश्न बनाना है, तो क्या इसको जब स्प्लिट करेंगे तो डीड यहाँ पे आ जाएगा और ये स्टील इसका ओरिजिनल फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये डीड यहाँ पे आ जाएगा, वो डीड को उठाओ और सेंटेंस के पहले ट्रैक पे ले आओ, जैसे यहाँ पर भी डीड तो कोई दिख नहीं रहा है लेकिन आपको प्रश्न बनाना है उसका कि क्या उसने तुम्हारा दिल चुरा लिया ऐसे पूछना है, तो क्या करना चाहिए स्टोल में से डीड को पहले बाहर आना, डेट फिर ही लिखेंगे और फिर लिखेंगे स्टिल माय हार्ट, तो डीड और स्टिल ये जब ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे तभी बनेगा प्रश्न, डिड ही स्टिल माय हार्ट, क्या उसने मेरा दिल चुरा लिया, तो ये बात है, समझ गए प्रश्न कैसे बनता है, डीड का प्रश्न कैसे बनता है, दो तरह से बनेगा, एक तो ईडी में रहेगा डेट उसको निकाल के बाहर लाओ, अगर ईडी नहीं है वो आपके सेकंड फॉर्म है तो आपको पता होना चाहिए कि इररेगुलर फॉर्म के थे उसको, उसके सेकंड फॉर्म कौन कौन से होते हैं, उनको थोड़ा सा रट्टा मार दो कोई बात नहीं है, टेक टू टेकन शेक शुक शेकन नो गिव गेट गिवन ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ये आपको पता होना चाहिए, तो उसमें से ब्रोक है मतलब डीड ब्रेक होगा, स्टोल है मतलब डीड स्टील होगा, ये अगर आप कर पा रहे हो तभी आपको डीड के प्रश्न बनाने आएंगे और जो प्रश्न पूछा है उसका मीनिंग भी आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये आगे आ रहा है क्या, जैसे वो आगे आ जाएंगे ध्यान रखेंगे, जैसे वो आगे आ जाएंगे तो प्रश्न बनेगा यस नो वाला, मतलब उसका आंसर आइदर यस होगा और नो होगा, क्या तुमने ये सोचा, डिड यू थिंक सो, तो डीड आ गया और थिंक आ गया, तो क्या तुमने सोचा, इस तरह से क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी मदद की, ऐसे पूछना मदद की, ओके तो हेल्प है तो हेल्प को डीड लगना चाहिए तो डीड हेल्प होगा है ना, तो माय फादर डीड हेल्प मी, तो ये डीड को उठा के एक नंबर पे ले आओ, डीड योर फादर हेल्प यू, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी मदद की, डीड माय फादर हेल्प मी, मेरे पिताजी ने मेरी मदद की क्या, इस तरह से क्या को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, पहले में भी लगा सकते हो लास्ट में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आंसर में यस नो आ जाए, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि प्रश्न कैसे बनता है ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा सकते हो, तो अगले वाले वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट इसके बारे में चीज लेके हम जल्दी हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए देते विदा और ठीक से समझ लो, ठीक है, बाय बाय।